रेडियस ऑफ गायरेशन को के से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको समझने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमने बहुत सारी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, रिंग का, डिस्क का, रॉड का, और बाकी अपने निकाले भी नहीं, पर एक बात तो पक्की है, किसी भी बॉडी का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन तो करनी पड़ेगी। किया हमने, दो तीन तो करके भी देखे हमने। तो एक स्टूडेंट आया, वो कहता जी देखो एक स्फीयर है मेरे पास, एक सॉलिड स्फीयर है। मैंने कहा ठीक। वो कहता मैं बहुत बड़ी इंटीग्रेशन करके आया हूँ और मैंने इस एक्सिस का आई निकाल के दिखा दिया, कितना? मैंने पूछा कितना आया, वो कहता है 2/5 mr². मैंने कहा कैसे निकाला? वो कहता बहुत इंटीग्रेशन लंबी थी पर मैं इंटीग्रेशन करके आया हूँ, मेरा आंसर ये आया है। हमने नहीं की, पर आप समझ सकते हैं किसी ने इंटीग्रेशन तो की होगी तभी आंसर आया होगा, ये सही है। एग्रीड। अब एक स्टूडेंट कहता है कि सर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, आपने एक चैप्टर करवाया था सेंटर ऑफ मास, अब उसे सॉल्व कर दो ना। हम, मैंने कहा करके देख लेते हैं। स्फीयर एक इज अ सिमेट्रिकल बॉडी, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ एक्ट करेगा, इसके सेंटर पे। एक्सिस भी कहाँ से पास करेगा, सेंटर से, तो आई क्या होगा, जीरो। ये तो फेल हो गया, या तो वो चैप्टर फेल हो गया, या तो सेंटर ऑफ मास का चैप्टर गलत हो गया, या फिर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लग नहीं पा रहा आपके सामने है, तो जीरो आंसर तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी बॉडी है जिसका कोई मास है, आए तो हर हालत में होगा ही होगा, जीरो तो हो ही नहीं सकता आए कभी भी। ठीक, तो कॉन्सेप्ट आया रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन जिसने बनाया उसको ध्यान से समझना, उसे कैसे सिखाया। उसने कहा देख तो इंटीग्रेशन करके आया है ना, उसने कहा स्टूडेंट हाँ मैं इंटीग्रेशन करके आया हूँ, आंसर 2/5 mr² आया है। अब तू क्या चाहता है? तो वो स्टूडेंट कहता है मैं चाहता हूँ कि आई निकले पॉइंट मास से और सेंटर ऑफ मास से आंसर नहीं आ रहा। तो फिर बनाने वाले ने ये कहा तू सोच, बस सोच, इमेजिनेशन में सोच कि स्फीयर का मास एम है और पॉइंट है, बस ये रहा पॉइंट एम, बस ये देख ये रहा पॉइंट एम, ले लिया पॉइंट एम। अब तू सोच कोई एक्सिस होता होगा, कहाँ होता होगा, बस तू सोच कहीं तो होता होगा, तो चलो ठीक है ये रहा, ये एक्सिस ले लिया। और तू सोच इस पॉइंट मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से के होता होगा। अब तू के वो लेना कि अगर तू पॉइंट मास लेता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्मूले से निकालता है तो तेरा आंसर ना यही आना चाहिए। तो रेडियस ऑफ गायरेशन वो डिस्टेंस है पॉइंट मास का एक्सिस से, इमेजिनरी एक्सिस से, कहीं भी ले लो ताकि उसका डिस्टेंस के वो लो, ताकि m इंटू के स्क्वायर आपको वही आंसर दे जो वो थे। लेकिन प्रैक्टिकली आपको ये चीज, मतलब आप कहेंगे प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, पहली बात तो स्फीयर को पॉइंट मास क्यों लूं और फिर मैं कैसे एक्सिस डिसाइड करूं कि कहीं भी सोच में कि वहां ले लूं और के ले लूं, बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, मैं ऐसे क्यों किया। आपको भी पता लगेगा कि इसकी कितनी जबरदस्त इंपॉर्टेंस है और ये आपके क्वेश्चंस को एक सेकंड में सॉल्व करेगा, ये गायरेशन का कॉन्सेप्ट, बताता हूं कैसे। तो इमेजिनेशन में आपने ये सोचना है कि एक स्फीयर का मास पॉइंट मास है और इसका किसी एक एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के है। अब के मास तो आप मास तो मास है, उसमें भी सेम मास, इसमें भी सेम मास, लेकिन आपको के आपकी मर्जी से लेना है, आपने वो के लेना है ताकि आप पॉइंट मास से अगर आई निकालें तो आंसर एग्जैक्टली सेम आए। तो अगर सपोज ये स्फीयर ना होते हुए ये क्या होती, डिस्क, और बाय इंटीग्रेशन मेरा आंसर क्या आता, ये आता, तो फिर मैं इसमें ये के डैश कर देता ताकि इनका आंसर एग्जैक्टली क्या हो जाता, सेम। तो मैं क्या कंट्रोल कर रहा हूँ, के कंट्रोल कर रहा हूँ, रेडियस ऑफ गायरेशन, ताकि आंसर सेम आए। अब अगर ये कॉन्सेप्ट ट्रू है या अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो एक बात तो पक्की है, जैसे सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का आई क्या होता है, बाय इंटीग्रेशन 2/5 mr² और गायरेशन की फॉर्म में पॉइंट मास की फॉर्म में एम के स्क्वायर, बात अगर बराबर है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इसके इक्वल, और के की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 2/5 r, तो के कैन बी कैलकुलेटेड रूट 2/5 r, पर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है, 2/5। हमें न्यूमेरिकल्स में ना के नहीं चाहिए, हमें न्यूमेरिकल में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर चाहिए होता है। अब जैसे मान लो आपके पास एक डिस्क है, डिस्क का आई क्या है, 1/2 mr² और गायरेशन की फॉर्म में एम के स्क्वायर, अगर मैंने इक्वेट कर लें एम से एम कैंसिल तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है, 1/2। अगर रिंग है तो एम आर स्क्वायर और गायरेशन की फॉर्म में एम के स्क्वायर, इक्वेट करके के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1।
तो मैं आपको न्यूमेरिकल में पूछूंगा कि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू बोलो कितनी है, तो अगर ये स्फेयर है सॉलिड 2/5 mr², तो ये मत करना, एक शॉर्टकट है। अगर किसी भी बॉडी का मोमेंट इनर्शिया 2/5 mr² है, तो mr² का जो कोफिशियंट है वही के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है। जैसे सॉलिड स्फेयर का 2/5 mr² है, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/5 है। अगर डिस्क का आई 1/2 mr² है, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1/2 है। अगर 1 mr² है, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 है। और अगर 7/5 mr² है, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 7/5 है। इसको निकालना आ गया, यूज कैसे करना है अभी डिस्कस करेंगे। अब अगर ये पेपर में आ गया, एग्जामिनेशन में आ सकता है, CBSE में, फॉर NCERT लिख लेना, वो पूछ लेगा डिस्कस व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो जब आपने डिस्कशन करनी है, सबसे पहले आपने डेफिनेशन नहीं लिखनी, सबसे पहले आपने ये लिखना है कि मान लो कोई भी एक बॉडी है और उसके अंदर m1 m2 m3 बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जिनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से r1 r2 r3 अप टू rn है। तो पूरी बॉडी का मोमेंट इनर्शिया कैसे निकलेगा, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर करते करते mn rn स्क्वायर। पर अगर गायरेशन का कॉन्सेप्ट लगाएं, तो i का फॉर्मूला क्या बनेगा, mk स्क्वायर। फिर m इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी। दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेट करके k स्क्वायर की वैल्यू आ गई। k स्क्वायर की वैल्यू में हम ये मानते हैं कि मास ऑफ पार्टिकल अगर सेम है और n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो इसकी जगह mm पुट कर देंगे और टोटल मास में n into m, क्योंकि n नंबर ऑफ पार्टिकल है, एक पार्टिकल का मास m है। mm कैंसिल, अंडर रूट ले k के लिए, ये आंसर आ गया। ये लिखने के बाद गायरेशन क्या चीज है, अंडर रूट का मतलब रूट, अंदर क्या चल रहा है, एवरेज। एवरेज को क्या बोलते हैं, मीन। रूट मीन, किसका मीन, स्क्वायर का, किसका, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ किसका, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स। तो किसका मीन निकल रहा है, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीन निकल रहा है फ्रॉम द एक्सिस। तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो अगर मान लो बहुत सारे पार्टिकल हैं एक बॉडी में और उन पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 r2 r3 अप टू rn है, तो अगर आप उनका स्क्वायर करो, मीन लो और अंडर रूट लो, वो आपको k देगा। यहां तक ये डेफिनेशन ऐसे बनेगी, क्लियर है यहां तक। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन दे देता हूं, करना हमने नेक्स्ट टाइम है, पर उसकी इंट्रोडक्शन देनी पड़ेगी, नहीं तो आपको अजीब लगेगा ये टॉपिक क्यों करवाया।